Hello, friends, this is Shalish, and welcome back to our channel called Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos. So, without wasting any time, let's start our video.

तो वो जब बता दूंगा ना उसके बाद वो वीडियो फिर से बनाऊंगा जो बी एफ एस के थ्रू आप कर सकते हो डिटेक्ट सेकेंड या रिलेटेड ग्राफ बट अभी डी एफ एस में नॉर्मल डी एफ एस लगेगा तो वो आराम से उसका इंट्यूशन मैं दे देता हूँ ओके तो पहला बात ये क्वेश्चन का जो लिंक है वो एक आर्टिकल दिया हुआ है बट इसका एक क्वेश्चन है ऑलरेडी तो वो क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पे जा सकते हो जाकर सबमिट कर सकते हो अपना सल्यूशन ओके तो क्या क्वेश्चन हमारा है कि हमें डायरेक्टेड ग्राफ दिया डायरेक्टेड मतलब क्या होता है कि इस जिसपे वन साइड खाली जा सकते हो मतलब जीरो से वन जा सकते हो बट वन से जीरो पे नहीं आ सकते आप वन से टू जा सकते हो बट टू से वन पे नहीं आ सकते टू से थ्री आ सकते हो बट थ्री से टू नहीं आ सकते ओके तो चेक करना है हम लोग को वेदर इट कंटेन अ साइकिल और नॉट बस इतना सा काम करना है हम लोगों को तो चले चलते हैं अपने इंट्यूशन ट्यूशन की तरफ तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को देखिए वन से टू टू से थ्री फिर थ्री से वन गया हुआ है मतलब यहाँ साइकिल हम लोग को मिल जा रहा है आराम से ओके तो डी का तो आप लोग को पूरा अच्छे से इंट्यूशन मिल चुका है पिछले वाले वीडियो पे तो यहाँ मैं डी को नहीं मतलब मोटिव नहीं दूंगा डी पे मेन मोटिव मैं यहाँ क्या करूँगा कि आप लोग को साइकिल कैसे डिटेक्ट करना है ओके तो मैं यहाँ पर एक क्या यूज़ करूंगा एक यूज़ करूँगा ऑर्डर वैक्टर ओके जैसे एक वैक्टर ले लेता हूँ ऑर्डर वैक्टर ओके क्या क्या वन टू थ्री मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका इंडेक्स इंडेक्स नहीं मतलब बेसिक नीचे का आई ये हो गया ऑर्डर वैक्टर ओके अब तो एक विजिटेड वेक्टर तो रहता ही है वो तो आप लोगों को पता ही है टी के लिए एक विजिटेड वेक्टर लगता ही लगता है तो ये हो गया विजिटेड वेक्टर ओके ये इसका नीचे का इंडेक्स है वन टू थ्री ओके तो मैं क्या करूंगा जैसे भी कोई भी एक क्या नोट पे आऊंगा ना तो वो तो संग संग आप लोगों ने देखा था इसमें डी में भी उसे मैं विजिट कर देता हूँ ओके अब मैं क्या करूंगा उसे एक ऑर्डर वेक्टर में डाल दूंगा अब मैं इसका समझाऊंगा आप लोगों को मतलब क्यों मैं ऑर्डर वेक्टर में डाल रहा हूँ ओके तो पहले आप देखें यहाँ पर तो मैं ऑर्डर वेक्टर को ट्रू किया तो मतलब ऑर्डर वेक्टर में वो चला गया ओके अब उसका पता आप लोगों को ऐसे डीएफएस में करते हैं हम लोग अगर इसका एडजशन नोड विजिटेड नहीं है तो वहाँ हम लोग डीएफएस एफ चला देते हैं रिकर्शन भेज देते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ टू विजिटेड नहीं था हम लोग का ओके तो वहाँ रिकर्सन चलेगा अगर टू तो पे तो है तो टू को विजिटेड किए और इसको भी हम लोग ऑर्डर में डाल देंगे ऑर्डर में ऑर्डर वैक्टर पर तो ऑर्डर वैक्टर भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ओके अब टू का एडजशन चलेगा तो कौन आएगा थ्री आएगा अब थ्री भी देखो विजिटेड नहीं है तो आराम से उसमें लोग रिकर्शन भेज सकते हैं डी का थ्री को विजिटेड किए उसको भी ऑर्डर वेक्टर में डाल दिए अब देखो जब वो थ्री से वन पे आएंगे ना जब थ्री का लुक चलाएंगे तो क्या होगा बेसिकली तो okay? तो तो उस पर वेक्टर तो में है अगर वो ऑर्डर वेक्टर में लाइक करता है इसका मतलब क्या हुआ ये एक साइकिल बना रहा है ओके okay? एक साइकिल बना रहा है तो चेक करेंगे, अगर ये नॉट विजिटेड है मतलब सॉरी विजिटेड अगर है one, तो चेक करूं उसका क्या उसका क्या ऑर्डर वेक्टर आपका वन है क्या तो देखेंगे ऑर्डर वेक्टर वन मतलब क्या हुआ वो जिस रूट से आ रहा था उस रूट पे आके साइकिल बन जा रहा है मतलब वन से आया टू पे टू से आया थ्री पे थ्री से आया वन पे तो एक साइकिल बन गया बेसिकली ओके तो ये हम लोग को देखना है और यहाँ से हम लोगों को लिया बट आप लोग सोच रहे हो कि विजिटेड वैक्टर ऑर्डर वैक्टर तो सेम चीज ही कर रहा है सिंपली देख लो ये अगर ये अगर विजिटेड है तभी तो समझ में आ जाएगा वो साइकिल हो चुका है पर उसके लिए भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को ओके कि क्यों हम लोग ऑर्डर और विजरेट वैक्टर अलग अलग यूज कर रहे हैं आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये चीज तो मैं क्या करता हूं वन से एक बनाता हूं फोर पे एक ओके okay? और फिर एक बनाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहां कहीं भी आप लोगों को साइकिल नहीं दिख रहा है क्यों वन से टू पे गया टू से थ्री पे आया थ्री से फोर पे आया बट फोर से वन का कोई रूट नहीं है तो साइकिल नहीं होगा वन से फोर पे आया तो फोर से कहीं का रूट नहीं है तो साइकिल नहीं होगा तो देख सकते हैं यहाँ कहीं साइकिल नहीं है ओके तो इसको मैं क्या करता हूँ फिर से ट्रेवल्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ ओके तो ये सब हटाया अब देखिए स्टार्ट करते हैं वन से ओके okay? तो वन से बेसिकली क्या होगा स्टार्टिंग में आराम से आप लिख सकते हो इसको विजिटेड और ऑर्डर वेटर में डाल दिया आप लोगों ने इसके एडेशन पर किया टू ठीक है टू क्या है विजिटेड कर दो इसको इसको एडज ऑर्डर वेटर में डाल दिया हम लोगों ने उसका एडेशन कौन है थ्री विजिटेड नहीं था उसे विजिट कर दो ऑर्डर वेटर में डाल दिया थ्री से गए फोर अब फोर क्या है विजिटेड नहीं, नहीं था उसे ऑर्डर वेटर में डाला बेसिकली यहाँ फोर होगा इंडेक्स और उसको ऑर्डर वेटर में डाल दिया और विजिटेड भी कर दिया फोर्थ से कहीं नहीं जाएगा बेसिकली अब देखिए अब फोर्थ से तो बैक आएगा रिकर्शन क्योंकि वहाँ तो से रिकर्शन खत्म हो जाता है तो जो बैक ना बैक आएंगे ना बेसिकली देखिए एक पाथ फॉलो कर रहा था ना वन से टू तक का टू से थ्री तक का और थ्री से फोर तक का पाथ अब क्या करें पीछे जा रहे हैं बेसिकली अब फोर को पाथ से निकाल दे रहे हैं हम लोग ठीक है जो एक पाथ ले रहे थे वहाँ से पाथ से फोर निकाल दे रहे हैं तो क्या होगा ऑर्डर वेट्रेस से उसको निकाल देंगे मतलब जीरो कर देंगे बेसिकली जब फोर्थ से रिकर्सन थ्री में जाएगा हम लोग का तो इसको क्या कर देंगे बेसिकली तो मतलब कहीं नहीं जाएगा मतलब थ्री हमारा पाथ से निकल के जा रहा है निकल जा रहा है तो उसको भी जीरो कर दो वापस से थ्री वाले को ऑर्डर वेक्टर बट हम लोग विजिटेड वेक्टर को जीरो नहीं कर रहे हैं क्योंकि विजिट हो चुका है ऑलरेडी तो दूसरे जगह से नहीं आना है ठीक है बट हम ऑर्डर वेक्टर जीरो कर रहे हैं यहाँ पर ओके कि वो पाँच से निकल जा रहा है हमारा ओके फिर तो यहाँ से भी आपका थ्री निकल गया बेसिकली देखा जाए तो अब पाँच में देखिए वन टू हमारा पाथ में है ओके अब टू जब आया हमारा पाथ में अब टू से और कहीं जा पाएंगे तो वो भी बैक जाएगा पूरा पूरा तो टू को भी ज़ीरो कर दो यहाँ पर टू भी जीरो हो गया और यहाँ पाँच से भी निकल जाएगा हम लोग का अब देखिए जब वन पे आएंगे तो वन से तो अभी एडजस्टन बाकी है ना फोर पे जाना तो वन से फोर पे जाएंगे बट देखेंगे क्या कि फोन हमारा ऑलरेडी विजिटेड है और फोन हमारा ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या मतलब हुआ चेक करो ये क्या मेरा पाथ में एग्जिस्ट करता है मतलब ऑर्डर वेक्टर पे एग्जिस्ट करता है अगर एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये साइकिल बना रहा है तो मैंने क्या चेक किया पहले तो विजिटेड था उसके बाद चेक करूंगा मैं क्या मेरा ये ऑर्डर वेक्टर इसका वन है देखा मैंने जीरो है अगर जीरो है, इस मतलब क्या हुआ वो जो भी पाथ से वो आया है ना मतलब बेसिकली ये विजिटेड कब हुआ एक दूसरा पाथ से विजिटेड हुआ फोर हमारा ठीक है इस पाथ से विजिटेड नहीं हुआ एक दूसरा पाथ से विजिटेड हुआ ओके इस पाथ से विजिटेड नहीं हुआ तो वही हम लोगों ने चेक कर लिया सिंपली वो विजिटेड तो है बट उसका ऑर्डर वैक्टर जो है वो जीरो मतलब वो अभी जो करंट पाथ ले रहे उसमें फोर एग्जिस्ट नहीं करता है ओके तो बस सिंपल सा बात है वो जीरो है मतलब क्या हुआ भले फ़ोर विजिटेड था आपका तो यहाँ पर समझ में आया क्यों मैंने विजिट अलग लिया ऑर्डर अलग लिया देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग काम किया है दोनों में सेम चीज डेटा नहीं है अभी यहाँ पर भले फोर विजिटेड है बट वो सेम ऑर्डर में नहीं है जो पहले जहाँ से आया था जहाँ से वो विजिटेड हुआ उस ऑर्डर पर नहीं है ओके क्योंकि तो ये वन से फोर का भी बेसिकली ऑर्डर बन रहा था हम लोग का ओके ये विजिटेड था फोर तो बेसिकली फोर लेंगे नहीं हम लोग तो बस फोर का ऑर्डर वेक्टर जीरो ऑर्डर वेक्टर का वो पोजिशन जीरो है तो मतलब वो हमारा साइकिल नहीं बना रहा है बस इतना कहा था इसमें यही कंसेप्ट था मेन यहाँ कंसेप्ट डी एफ एस था उसमें बस ऑर्डर वेक्टर को आप लोग को आ, लगाना था यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं कोई भी एक पाथ ले रहे हैं उसको आप विजिटेट करते जाओ और ऑर्डर वेक्टर में डालते जाओ डालते गया ऐसे ऐसे डालते गया अब जब उससे उसको आप लीव कर रहे हो उस नोड को तो विजिटेड तो रहेगा बस उसके ऑर्डर वेटर को खाली करो थ्री से लीव किया ऑर्डर वेटर खाली करो टू से लीव के ऑर्डर वेटर खाली करो फिर जब हम लोग नेक्स्ट डेटा पे आए नेक्स्ट डेटा पे आए चेक करो वो ऑलरेडी विजिटेड है बट ऑर्डर वेटर पर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ जो भी रूट ले रहे हैं वहाँ से वो क्या बोलते हैं वापस से नहीं एग्जिस्ट मिल रहा है हम लोग को जैसे पिछले बार हम लोग क्या किए थे इसको हटा दिए थे यहाँ से डायरेक्ट बनाए थे हम लोग क्या थ्री से वन बनाए थे हम लोग क्या तो जब इसको बढ़ा दे तो यहाँ वन से गए थे टू पे टू से गए थे हम लोग थ्री पे अब देखिए थ्री से हम लोग जा रहे थे वन पे तो देखिए बेसिकली वन क्या है हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर वेक्टर पे है ये जो पाथ है हमारा ठीक है वन से टू का टू से थ्री का थ्री से वन का तो वन जो आ रहा है वो ऑलरेडी हमारा पाथ में एग्जिस्ट कर जा रहा था तो वही हम लोग वहाँ चेक किए थे कि हमारा विजिटेड व्यू सब ट्रू था और ऑर्डर वेक्टर में भी उसका पोजीशन ट्रू था इसका मतलब जो लोग पाथ ले रहे हैं वो करंट पाथ में वन लाइक कर रहा है जो पहर, जब उस पाथ पे ऑलरेडी लाइक like कर रहा है वन तो वहां पर हम लोग का साइकिल हो चुका था बट अभी जो लोग एग्जाम्पल लिए थे इसके पहले जो फोर लगा दिए थे तो उसमें साइकिल नहीं हो रहा था ओके okay? समझ में आया कंसेप्ट आप लोगों को अब चलते कोड की तरफ कोड कोड चलिए तो कोड में क्या है हम लोग का सिंपल से विजिटेड वेक्टर ले लिया ऑर्डर वेक्टर ले लिया नॉर्मल लूप चलाएंगे जीरो से लेके पूरा वी में मैं सब में डीएफएस चला दो मतलब अब बुल सी लिएक्टर और एजेंसी लिस्ट भेज दिए हम लोग सा बुल सी यहाँ पर है चेक करो अगर सी ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब हम लोग को ऊपर जो रिकर्शन भेज रहे ऊपर में वहाँ हम लोग को साइकिल मिल जा रहा है तो सिंपली यहाँ रिटर्न ट्रू कर दो तो काम खत्म आप लोगों का ओके okay? और इस फॉलो से निकलोगे और सी ट्रू एक बार भी नहीं आ रहा है मतलब सब में फॉल्स रिटर्न हो रहा है सी मतलब क्या वो एक भी हम लोग को साइकिल नहीं मिला तो बाहर रिटर्न फॉल्स ओके अब ऊपर चलते हैं हम लोग जो यहाँ फंक्शन लिखे हैं इसीलिए फंक्शन में क्या है हमारा ये सब लिया हुआ है ऊपर का जैसे हम लोग जैसे आप डी एफ एस में भी देखे थे आप लोगों ने विजिटेड एस आर सी वन करते हैं जब हम लोग नया रिकर्शन लेके जाते हैं और यहाँ संग से मैंने क्या बताया आप लोगों को जब मैं विजरेट वन करूँगा तो ऑर्डर वेक्टर का वो पोजिशन को वन कर दूंगा मतलब वो करेंट ऑर्डर करंट पाथ पर वो आ चुका है वो करंट नोड ओके उसके एडजस्टन में लूप चलाया मैंने चेक किया अगर नॉट विजिटेड है उसका एडजस्टन वाला तो उसमें भी मैंने डी एफ एस भेजना है मतलब रिकर्शन भेजना है मुझे तो भूल कन्फर्म में क्या करूंगा मैं रिकर्शन भेजा वही एक्स विजिटेड ऑर्डर और लिस्ट अब मैं ये कन्फर्म में चेक करूंगा ये कन्फर्म क्या मेरा ट्रू है क्या ये ट्रू रिटर्न होता है वहाँ से मतलब क्या वो मुझे साइकिल मिल जा रहा है कहीं ना कहीं तो वहीं से मैं रिटर्न ट्रू करते जाऊँगा ओके okay, तो बेसिकली वो जैसे मुझे यहाँ पर एक सेकेंड बताता हूँ मैं जो इसके पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था ना ये वाला यहां से आया नहीं ये वही सेम एग्जाम्पल दो तो जब मैं वन से गया टू पे टू से गया मैं थ्री पे थ्री से गया मैं वन पे तो मुझे यहां पर मिल जा रहा है ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न गया यहाँ पर यहां से अब मान लीजिए अगर थ्री से कोई और पोजीशन भी रहा था ना हमारे थ्री से फोर रहा था तो फिर थ्री बेसिकली मतलब वन से थ्री थ्री से फोर में नहीं मतलब जाएंगे नहीं हम लोग रिकर्सन भेजेंगे हम लोग उससे मतलब नहीं है एक साइकिल मिल गया मतलब हम लोग काम खत्म है ओके इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं वन से जैसे थ्री पे थ्री से फोर पे नहीं मतलब जाएंगे वहीं तो बैक ट्रू, बैक बैक आते रिकर्स से निकल जाएंगे हम लोग ठीक है ऑप्टिमाइज हो जाएगा ये चीज हम लोग तो वही चेक कर लिया अगर कन्फर्म हमारा ट्रू है तो रिटर्न कर दिया ट्रू सिंपली सा अगर ये नॉट विजिटेड मतलब विजिटेड अगर है हम लोग का ठीक है ये अगर फॉल्स होता है मतलब क्या वो करेंट नॉट विजिटेड है तो विजिटेड है तो मैंने क्या बोला चेक करने अगर विजिटेड है तो चेक करो उसका ऑर्डर वेक्टर का जो पोजीशन है वो अगर ट्रू है मतलब वन है वहाँ पर मतलब क्या हुआ करंट तो पाथ उस पर ये लाई करता है ओके तो चेक कर लो अगर ऑर्डर ऑफ एक्स ट्रू है मतलब वो करंट वाले पाथ पे लाइक करता है तो मतलब रिटर्न ट्रू इसका मतलब क्या हुआ मतलब साइकिल मिल जा रहा है हम लोग को सीधा सा बात है तो यहीं से रिटर्न ट्रू कर दिया हम लोगों ने कि हमें वो विजिटेड मिला और संग संग ऑर्डर भी उसका ट्रू है वही केस यहाँ पर हुआ था जो वन टू थ्री वन आया तो जैसे वन पे हम लोग आए उसका विजिटेड भी ट्रू है और उस समय ऑर्डर भी वन है सॉरी ये नहीं ये वाला विजिटेड ट्रू है ऑर्डर भी वन है हमारा ओके तो दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा रिटर्न ट्रू ओके बट अगर हमारा ये लूप चल गया बाहर है इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोग जो करेंट वाले नोड है उसको छोड़ के वापस बैक जा रहे हैं जैसे यहाँ पर जा रहे थे हम लोग वन से गए थ्री की तरफ थ्री से टू की तरफ टू से वन की तरफ मतलब बैक जा रहे थे हम लोग तो बेसिकली उस पाथ से वो नोड को निकाल रहे हैं जो बैग जा रहे थे तो नोट से करेंट पाथ से नोट को निकाल दे रहे हैं तो वही मैंने बताया आप लोगों को जो यहाँ पर मैं जीरो करवा दे रहा था आप लोगों को ऑर्डर वेक्टर पे तो वही सिम्पली क्या करना है जैसे बाहर जाएंगे मतलब करंट नोट को छोड़ के जा रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ एस आर सी जीरो कर दो मतलब जो करंट पाथ है मतलब ऑर्डर ऑफ ये करंट नोड है उसको जीरो कर दो उस पोजीशन पे और सिंपली रिटर्न फॉल्स करो क्योंकि हमने अभी तक अभी तक साइकिल हमें नहीं मिला है अभी तक करंट वैल्यू तो हमें साइकिल नहीं मिला इसलिए हम यहाँ रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं और इसको जीरो कर दो समझ में आ गया आप लोगों को बस इतना काम खत्म इससे ट्रूफोर्स नीचे अपना आ जाएगा ओके इसे करते हैं हम लोग सबमिट ओके तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा सोल्यूशन सही है पूरा पूरा ओके तो परफेक्ट सोल्यूशन है तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें हम लोग तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना होता है ऑर्डर ऑफ़ वी प्लस ई क्योंकि यहाँ डी एफ एस चला रहे हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कशन हो चुका था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वी प्लस ई क्यों होता है ठीक है डी एफ एस चल रहा है और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ़ वी एक तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर वैक्टर ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ़ वी का और एक जो रिकर्सन स्टैक हमारा खा रहा है ऑर्डर ऑफ़ वी तो दोनों से हमारा ऑर्डर वी निकल के आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओके बस इतना सा सल्यूशन था आप लोगों को होपफुली सोल्यूशन समझ में आया होगा कोई भी दिक्कत हो कमेंट डाउन करो ठीक है या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे ओके तब तक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो ओके तब तो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनटिल देन बाय बाय